हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी ग्राफिक्स कार्ड के साथ में बहुत हैवी पीसी बनाना चाहते हैं जिसमें वीडियो एडिटिंग एडोब प्रीमियर प्रो और कोरल फोटोशॉप लेटेस्ट जनरेशन का 2023 का और भी 3D के काम करना चाहते हैं, साथ में अपने सारे काम करना चाहते हैं एमएस वर्ड एक्सेल, तो आपको एक अच्छे कंप्यूटर की जरूरत होगी। आज हम लोग i5 प्रोसेसर के साथ में 11 जनरेशन के साथ में कंप्यूटर बनाने जा रहे हैं, जिसमें ये इंटेल कोर का 11 जनरेशन है और इसमें जो रैम है DDR4 रैम और 16 GB के साथ में है। हार्ड डिस्क भी हमें 512 GB लगाएंगे NVMe SSD हार्ड डिस्क के साथ में। ये लगाने से कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। और ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड है, ये 1650 ग्राफिक्स कार्ड है G4 GTX गीगावाइट, ये भी लगाएंगे। और सबसे बड़ा चीज होता है मदरबोर्ड, किसी भी कंप्यूटर की जान होती है मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड भी हम गीगावाइट का लगाएंगे इस प्रोसेसर के लिए। ये इससे अच्छा कोई मदरबोर्ड नहीं है, अगर कोई अच्छे हैं तो फिर बहुत पैसे लगेंगे। तो हम लोग बजट पीसी बनाने जा रहे हैं तो चीप में बेस्ट चाहिए होगा हम लोगों को, ठीक है। मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, हार्ड डिस्क और रैम हो गई, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, और अब हम बात करते हैं PSU की पावर सप्लाई की। तो ये भी हमें 500 वाट की मिल रही है और एंड स्पोर्ट की मिल रही है, ठीक है। और अब हम कैबिनेट की बात करेंगे, तो कैबिनेट भी हमको ये कैबिनेट मिल रही है, ये भी एंड स्पोर्ट की है, SX310 प्रो डिजाइन के साथ आती है और बहुत ही अच्छी रीजनल प्राइस में ये हमको मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से सभी की अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर बाद में कंप्यूटर को भी असेंबल करेंगे और फिर लाइव टेस्ट के साथ में एडोब प्रीमियर प्रो फोटोशॉप कोरल को आपके सामने चला कर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अब हम इस मदरबोर्ड की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, खोलने के बाद में हमको ये मिलता है, ये इसमें इसकी पत्ती मिलती है, ये दो साटा केबल मिलती है हार्ड डिस्क लगाने के लिए। और अब हम अपना मदरबोर्ड निकालने जा रहे हैं, तो पन्नी पैक है, अभी सीड पैक पन्नी है, हम इस पन्नी को आपके सामने क्या करते हैं तोड़ देते हैं, इस तरह से पन्नी को इसको तोड़ देते हैं। टेप लगा हुआ है, सील्ड पैक है आपके सामने, इसका मशीन निकाल रहा हूं। और ये रहा हमारा मदरबोर्ड, तो गीगावाइट का मदरबोर्ड है और बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है, ठीक है। इसमें हमको दो रैम के लिए स्लॉट मिलते हैं, 4 हार्ड डिस्क साटा इसमें जोड़ सकते हैं और NVMe स्लॉट भी इसमें मिलता है। ये इस रेंज में ऐसा मदरबोर्ड है जो आपको ऑडियो बूस्ट के साथ में मिलता है, इसमें हम इसका पढ़ेंगे, नो लैग जस्ट फ्रैग, ठीक है। 1 GB के साथ में इसका जो है लैन आता है, हाई क्वालिटी ऑन बोर्ड ऑडियो डिजाइन, ठीक है, NVMe। तो इस तरह से ये जो सॉकेट है LGA 1200, और इसमें 10 जनरेशन का भी प्रोसेसर लग सकता है और 11 जनरेशन का भी प्रोसेसर लग सकता है, ठीक है, सारी चीजें जो होती हैं। तो मदरबोर्ड हमारा हो गया। तो अब हम लोग अपने जो हमारा जो i3 का प्रोसेसर है 11 जनरेशन, इसका हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, तो देखेंगे कि ये बिल्कुल सील्ड पैक है और आपके सामने ही हम इसका सील निकाल रहे हैं। तो इसके साथ फैन भी मिलता है, जब भी आप मार्केट से लें तो सील्ड पैक ही लें। तो इसमें इस तरह से निकालते हैं, तो ये रहा हमारा प्रोसेसर i5 11 जनरेशन। तो इस तरह बिल्कुल सील्ड पैक है, ये इस तरह से प्रोसेसर है हमारा, और इसके अंदर ही हमको मिलता है इंटेल का ओरिजिनल फैन, कूलिंग फैन। सील पैक लेंगे अगर
और 3 साल की वारंटी के साथ ये आता है। इसका जो प्राइस है, ये जो मुझे प्राइस पड़ा हुआ है, ये मात्र 11,200 का है और ये 11,400F है। तो प्राइस आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि मैं अमेजन पर इसका लिंक आपको दे दूंगा, अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन चैनल पर अमेजन का लिंक आपको इसका दे दूंगा, तो आप अमेजन पे भी देख सकते हैं और आप ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इसके अंदर फैन होता है, फैन हम इसका निकाल लेंगे। हमारी ये रैम DDR4 रैम है, एंटेन स्पोर्ट की है, DDR4 है, 690 का मॉडल है और ये भी बहुत ही सस्ते रेट में हमको मिली है, लगभग 2600 से 2700 रुपए में। ऑनलाइन आप देख लेना और अपने लोकल मार्केट में भी देख लेना इसी रेट आपको क्या पड़ रहा है। तो 2600 से 2700 रुपए की ये रैम होती है हमारी और इसको भी हम जो है काट लेंगे। ठीक है, और ये रैम इसको हम यहां से काट लेते हैं, ये रही और इसको रैम काट लेते हैं। तो रैम के साथ में हमको कुछ ये डायरी मिली है, कुछ स्टिकर्स मिले हुए हैं और ये हमारी 16 GB की सिंगल रैम है DDR4 मात्र 2600 से 2700 रुपए में। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हैं तो आप ये रैम लगा दीजिए। इसका जो मेगा हर्ट्स होता है ये है 2666, आपको ज्यादा मेगा हर्ट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ग्राफिक्स कार्ड तो लगा ही रहे हैं। तो ये हमारी रैम हो गई। NVMe हार्ड डिस्क जो कि SSD 512 GB की हार्ड डिस्क है, इसका भी रेट बहुत ही सस्ता है और ये भी हमको 2300-2400 रुपए की मिली हुई है। वैसे मार्केट में देखेंगे तो आपको 2700-2800 रुपए की मिलती है, आप देख लीजिए इसके रेट अप डाउन होते रहते हैं, अभी हम सस्ती मिली है। तो मैं दुकान का, जिस दुकान से मैंने लिया है उस दुकान का भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप चाहेंगे तो वहां से भी ले सकते हैं। कानपुर में दुकान है ये, आप कहां से देख रहे हैं, और अमेजन से भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको, ये हमारे इसके साथ ही हमको एक कार्ड मिला है और ये हमें छोटी सी जरा सी, देखिए रैम से भी बहुत छोटी है हमारी जो हार्ड डिस्क है, SSD हार्ड डिस्क, इसको NVMe कहते हैं। ठीक है, ये बहुत फास्ट होती है, डायरेक्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाती है। ये हमारा है पावर सप्लाई, 500 वाट का है, ये भी एंड स्पोर्ट का है और इसको भी हम खोल लेते हैं। हमने निकाल लेते हैं और अब हम इसको खोलते हैं। इसमें केबल मिलती है, ये बड़ा सा हमको पावर सप्लाई मिलती है। इतना बड़ा कंप्यूटर है तो हमें पावर सप्लाई की हैवी लगानी होती गेमिंग, लेकिन ये आप जानकर हैरान होंगे कि ये जो PSU है आमतौर पर 3000 रुपए के पास मिलते हैं और ये आपको मात्र 2000 रुपए में आपको मिल जाएगा, 2000 या 2500 रेट थोड़ा आपको नीचे कर देते हैं। तो ये हमारी पावर सप्लाई है और ये RGB पावर सप्लाई है, इसके अंदर आपको सारा आपका कंप्यूटर चलेगा, एक हैवी फैन लगा हुआ है, तो ये इस तरह से मिलेगा ये, और ये हमें ग्राफिक्स कार्ड इस तरह से हम इसको, तो ये देखिए हमारा ग्राफिक्स कार्ड है और अभी पूरा सील्ड पैक है आपके सामने, ये उसका सील खोल रहे हैं। ये हमारा ग्राफिक्स, ठीक है, डुअल फैन ग्राफिक्स कार्ड है और इसमें 2 HDMI पोर्ट और 1 VDI पोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, मात्र 12,500 रुपए का ये मुझे मिला है, ऑनलाइन पे देखेंगे तो लगभग रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस तरह से इसको हम रख देते हैं। ठीक है, रख देता हूं। SX310
ठीक है, इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फाड़ देते हैं पूरी। तो इसको इस तरह से निकाल लेते हैं और बहुत ही हैवी क्वालिटी की कैबिनेट है, तो मात्र जो है 2000 रुपये में ये कैबिनेट आपको मिल जाती है। लगभग 3000 रुपये से कोई कैबिनेट नीचे मुझे तो नहीं लग रही कि मिल रही किसी कंपनी की। ये गेमिंग के लिए स्पेशल कंपनी है, ये नई कंपनी है, अभी ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, इसलिए क्वालिटी बहुत ही अच्छी आपको दे रही है दोस्तों। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप इसी कंपनी के अगर आप गेमिंग पीसी बना रहे हैं तो अभी खरीदें। ये देखिए कितना हैवी आपको मिल रहा प्रोसेसर फिनिश मिलती है। यहाँ पर आपको 3 USB पोर्ट मिलते हैं जिसमें 2.0 के दो हैं और एक 3.2 का है। ऑडियो जैक है, माइक है, पावर बटन है, रिसेट है, ऊपर भी इसके फैन लगा हुआ है जिससे कि ऊपर भी फैन आप लगा सकते हैं और पीछे भी आप देख रहे हैं। बहुत ही मुझे तो बहुत पसंद आई इस कम रेट में, बहुत ही अच्छी हमारी ये लिया गया। इसकी कि फैन की एयर भी निकलती रहेगी और कोई सामान रखें तो अंदर नहीं जाएगा। तो ये देख लीजिए आपके सामने EMI PC। जैसा कि मैंने कहा था कि इस पूरे कंप्यूटर का आपको हम परफॉर्मेंस चेक कराएंगे, तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें विंडोज 11 आ चुका है और हमारे कंप्यूटर में ये देखेंगे आप कि टास्क मैनेजर में जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा CPU 11 जनरेशन इंटर कोर i5 11400F 2.60 GHz प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है और मेमोरी हमारी जब देखेंगे तो लगभग इसमें 16 GB मेमोरी कार्ड यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, आपको दिखा रहे SSD हार्ड डिस्क लगी हुई है और GPU। तो GPU यानी ग्राफिक्स कार्ड के लिए हमने बताया था आपको कि हम NVIDIA का GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड लगा और ये बिल्कुल आराम से है, बिल्कुल अभी 19-20% पर ये चल रहा है जब अभी, क्योंकि वीडियो की जो फाइल हमारी है ये खुला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ से हम कंप्यूटर पे जाके मोर पे जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा PC में गया तो हमारे कंप्यूटर का ये देखिए प्रोसेसर इसमें कौन सा लगा हुआ है, वही मैंने बताया रैम कितनी लगी है, 16 GB, ठीक है, विंडो कौन सी पड़ी है, विंडोज 11। और अब हम आपको चेक कराने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है हमारा कंप्यूटर में, ये देखिए हमारा Adobe Premiere Pro 2019 वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है 2019 वर्जन भी इस कंप्यूटर में इंस्टॉल है। और इसको हम प्ले के साथ ही बहुत हैवी PC बनाना चाहते हैं जिस पूरा 12 मिनट का वीडियो जो है हमारा बना। अब हम इसको क्या करेंगे आपके सामने इसका रेंडर निकालेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो जैसे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, तो एक्सपोर्ट करने के बाद में हम आपको दिखाएंगे एक्सपोर्ट करने के टाइम पे, देखिए यहाँ से प्रीव्यू यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, इसमें वीडियो एडिटिंग Adobe Premiere Pro, ठीक है, और कोड। और यहाँ पर हम जैसे इसको एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर रेंडिंग आएगी और जब इसका रेंडिंग निकल रहा होगा तो इसकी हम देखेंगे कितनी इसमें टाइम, ठीक है। अब मान लीजिए कि 600 MB का, कम से कम लगभग 650 MB का हमारा वीडियो लगभग मात्र 2 मिनट में हमारा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा CPU देखिए मात्र 48% व्यस्त है। आमतौर पर कंप्यूटर के जो CPU होते हैं 100% तक व्यस्त हो जाते हैं और 1-1 घंटा लगता है रेंडिंग करने में। GPU भी मेरा 100% हमारा बिजी नहीं है, 88% 90% बिल्कुल आराम से काम कर रहा है। CPU देखिए और आराम से काम कर रहा है, 40-50 के बीच में 37-32% पे आ गया है। तो ये आप देख लीजिए कि रेंडर जब चल रहा है, हमारा रेंडर चल रहा है उस टाइम पे हमारा कंप्यूटर कितना व्यस्त है। फिर से आपको दिखा देते हैं कि देखिए आराम से बिल्कुल आधा
सीपीयू हमारा खाली है, मेमोरी पे भी कोई लोड नहीं है, लगभग 55% पे है, 48% पे है, और जीपीयू लगभग 90% के दौर पे, क्योंकि पूरा काम जीपीयू का ही है, पूरा काम किसका है, ग्राफिक्स कार्ड का ही है। आप मार्केट में जाएंगे आपको 30,000 रुपए के ग्राफिक्स कार्ड बताए जाएंगे, आपको 25,000 रुपए के ग्राफिक्स कार्ड बताए जाएंगे, लेकिन इस वीडियो से आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आप मात्र 12,500 रुपए का ग्राफिक्स कार्ड लेके आइए और ग्राफिक्स कार्ड का नाम आप उसे दे दीजिए NVIDIA GeForce GTX 1650। ये आप अगर 40,000 रुपए से नीचे में अपना सीपीयू बनाना चाह रहे हैं और जिसमें आप वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं, गेमिंग खेलना चाह रहे हैं, किसी प्रकार का कितना भी हैवी काम करना चाह रहे हैं, फोटोशॉप, कोरल, 3D, जितना भी काम करना चाह रहे हैं, कोई भी काम XYZ, तो मात्र 40,000 रुपए से बहुत कम, 2-3-4 हज़ार रुपये सस्ता ही पड़ेगा। हम इसका रेट अभी हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हर एक चीज़ का, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए मात्र एक मिनट में हो रहा है, हमारा सीपीयू भी ज़्यादा बिजी नहीं है, खुद आराम से काम कर रहा है, ठीक है। तो लगभग ये देखिए 9-9.5 GB तक बिजी रैम हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि 16 GB रैम आपको कम से कम लगानी है। कुछ लोग 8 GB रैम लगा लेते हैं तो फिर वो दिक्कत का कारण बनेगा, रैम इतनी महंगी नहीं है, सस्ती रैम हो तो 16 GB रैम मिनिमम हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो 16 GB रैम हो गई और हमारा ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, वो भी देखिए अभी भी कोई भी 100% कोई भी बिजी नहीं है, आराम से काम कर रहा है। और ये देखिए सीपीयू हमारा जो काम जब इस पे पड़ेगा, जब रेंडिंग का टाइम आएगा, तो कितने गीगाहर्ट्ज़ तक चल रहा है, 4.20 गीगाहर्ट्ज़, लगभग 4 से भी ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ है। इसकी वेज जो फ्रिक्वेंसी है 2.60 गीगाहर्ट्ज़ है, बट जब काम पड़ेगा, जब कंप्यूटर को ज़्यादा काम पड़ेगा, तो अपनी स्पीड को क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा, बढ़ा लेगा, तो 4 के भी ऊपर ये हमारा चला जाता है। तो इसलिए ये प्रोसेसर i5 का प्रोसेसर बूस्ट टाइम पे बहुत अच्छा काम करने लगता है। देखिए हमारा हो गया, विंडो हमारा हो गया, क्योंकि ये सब फ्री हो गया, देखिए तो हमारा रेंडर हो चुका है। अपना हम रेंडर देख लेंगे अपने कंप्यूटर से, तो हमारा जब रेंडर हम देखने जाएंगे तो हम इस पीसी पे जाएंगे और रेंडर हमारा हो चुका है, तो रेंडर हमारा हो गया है, ढूंढ लेते हैं, ठीक है। आपके काम आएगा, आपके पैसे बचाएगा, नहीं तो आप बहुत महंगा सीपीयू ले जाएंगे या बहुत ही अगर सस्ते के चक्कर पड़ेंगे तो बहुत ही खराब ले आएंगे कंप्यूटर। तो इसलिए मेरा ये था कि आपको अच्छी जानकारी मिल जाए। मैंने भी ये कंप्यूटर लिया है अपने यूज़ के लिए, आप भी इसी तरीके का कंप्यूटर ले सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि आने वाले समय में हम 30,000 के अंडर भी कंप्यूटर बना देंगे, 20,000 भी कंप्यूटर बना देंगे, 10,000 रुपये में भी कंप्यूटर बना देंगे, 50,000 बना देंगे, 1,00,000 रुपये कंप्यूटर बना देंगे। आप मुझे बताइए, आप अपना बजट बताइए कि आपको कितने रुपये में कंप्यूटर चाहिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि आने वाले समय में मैं वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।